ताजनगरी की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड, फतेहाबाद एवं मॉल रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान शहर में लागू किया गया है। इसके तहत एमजी रोड पर अब ई रिक्शा व रिक्शा नहीं चलेंगे, मगर एक तरफ लोगों को इस प्रयोग से जाम से निजात मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था का साइड इफेक्ट ई रिक्शा चालकों पर दिखना शुरू हो गया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि उनके ई रिक्शा आरटीओ पास हैं, बावजूद इसके उन्हें एमजी रोड पर रोका जा रहा है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी और परिवार की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। ताजनगरी के महात्मा गांधी रोड, माल रोड और फतेहाबाद रोड पर यातायात सुधारने के लिए प्लान तैयार किया गया है। इस नए प्लान के तहत एमजी रोड पर अब ई रिक्शा व रिक्शा को चलाने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही ठेल ढकेल व खोके लगाने पर भी ये रोक लगाई गई है। ऑटो रिक्शा भी सीमित संख्या में चलाए जा सकेंगे, मगर एक तरफ लोगों को इस प्रयोग से जाम से निजात मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था का साइड इफेक्ट ई रिक्शा चालकों पर दिखना शुरू हो गया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि उनके ई रिक्शा आरटीओ पास हैं, बावजूद इसके उन्हें एमजी रोड पर रोका जा रहा है, जिसका सीधा असर उनकी रोजाना की आमदनी और परिवार की रोजी रोटी पर पड़ रहा है, साथ ही राहगीरों को भी इससे परेशानी हो रही है। पुलिस की इस नई व्यवस्था का असर दूसरे शहरों से आने वाले राहगीरों, पर्यटकों के साथ मरीज और तीमारदारों पर साफ देखने को मिल रहा है। एमजी रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान कई ऐसे ई रिक्शा चालकों को भी एमजी रोड से वापस कर दिया गया, जिनमें मरीज और तीमारदार बैठे हुए थे। मरीज और तीमारदारों की प्रार्थना के बाद भी ई रिक्शा चालक को एमजी रोड पर नहीं जाने दिया गया, जबकि उनके पास हॉस्पिटल और डॉक्टर की फाइल भी मौजूद थी। बता दें कि यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एमजी रोड, माल रोड एवं फतेहाबाद रोड पर रेड लाइट चौराहे पर बाईं ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए नया प्लान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें बाईं ओर जाने वाला ट्रैफिक चलता रहेगा। एमजी रोड पर दो क्रेन संचालित रहेंगी, जो लगातार भ्रमणशील रहकर रोड पर अनावश्यक रूप से सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करवाएंगे। इन क्रेनों पर पीए सिस्टम लगेगा। तीन रोड पर नॉन वेंडिंग जोन रहेगा, जहां अस्थायी दुकानें या ठेला नहीं लगाया जा सकता है। सिटी बसों के स्टॉपेज तय किए जाएंगे। व्यवस्थाओं के लिए एक टीआई, 26 टीएसआई, 70 कांस्टेबल व 100 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। शहर के एमजी रोड को आगरा की लाइफलाइन कहा जाता है, और लाइफलाइन यूं ही नहीं कहा जाता, इस एमजी रोड से लाखों लोगों के परिवार पलते हैं। और अगर बात करें ई रिक्शा चालकों की या नॉर्मल रिक्शा चालकों की, तो कहीं ना कहीं उनका पूरी और रोजी रोटी है वो अपने ई रिक्शा पर ही डिपेंड है, जो कि एमजी रोड से आप सदर बाजार तक ये जो ई रिक्शा है ये चला जाते हैं। लेकिन चूंकि अब शासन द्वारा इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, और एमजी रोड पर जो ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने का कारण बताया जा रहा है कि ई रिक्शा के चलते जाम की समस्या पैदा होती है, और ई रिक्शा अगर नहीं चलेंगे तो जाम नहीं लगेगा। तो एक प्रयोग जो है शासन द्वारा किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, तमाम ई रिक्शाओं को वापस लौटाया जा रहा है एमजी रोड से। तो ई रिक्शा चालकों का क्या कुछ कहना है, ये उनसे जानते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, हम लोग चला के अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, उसमें भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग दिल्ली गेट, पुष्पांजलि, बाग पर जाना, सारे मरीज भरे हुए हैं, वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये सब अस्पताल का रोड है सामने वाला, बाग पर जाना, पुष्पांजलि, लाखों डॉक्टर भरे हुए हैं, कॉलोनी में जाने नहीं दे रहे, सारे मरीज हैं, सबके पास फाइल है। एमजी रोड अगर बंद भी है, तो अगर हम नहीं भी जा रहे हैं तो ये मरीज कहाँ से जाएंगे, ये कैसे अपना जानना चाहूँगा। ये जो आपका ई रिक्शा है, ये आरटीओ पास है? नहीं सर, मेरा तो आरटीओ पास है सर, ये रिक्शा नंबर भी पड़ा हुआ है UPSC DTC 7260, लेकिन तब भी जाने नहीं देते सर। तो अभी जो आपकी जो सवारी है वो कहाँ की जा रही है? ये पुष्पांजलि दिल्ली गेट, सारे मरीज हैं सर ये। कुछ मरीज और तीमारदार साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही है और क्यों उनको लौटाया गया है। आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। तो रीना मिश्रा सर। क्या समस्या है? ये पुष्पांजलि ट्रीटमेंट चल रहा है। आप एंट्री लेके जा रहे थे तो क्यों लौटा दिया? पता नहीं, वापस कर दिया। क्या बताओ, ये बोला भी था इमरजेंसी है, फिर भी वापस कर दिया। हाँ दिखाई हो, कह दिया नहीं नहीं इमरजेंसी नहीं है, वापस जाओ। सब लोगों के पास फाइल है, आज अभी पहुँचना है। अब आपके अब जानते ही नहीं है, हम बाहर से आए हुए हैं, एटा से। ये मरीज के तीमारदार थे जो कि एटा से आए हुए अपने मरीज को दिखाने के लिए, जिन्हें पुष्पांजलि जाना था। कुछ और भी मरीज आए, उनसे बात करते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अतीक कुरैशी। कहाँ से आप? करल। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आगरा ये दिखाने आए थे दिल्ली गेट पे, UC अरोरा,
उन्हें दिखाने आए थे, वो गाड़ी निकलने नहीं थी। अभी अब कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे कैसे जाएंगे? अब तो ये हमारे गुर्दे सुखड़ गए हैं साहब, अब हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी ऑपरेशन हो रहा है माने। तो एमजी रोड की जो जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, कहीं ना कहीं अब उस लाइफलाइन के चलते कुछ जो जाम की समस्याओं के चलते अब ई रिक्शा चालकों की जो रोजी रोटी है वो खतरे में पड़ गई है। और कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो चालक है उनका कहना है कि ये एमजी रोड है, इसके आसपास काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मरीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ई रिक्शा चालकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, हालाँकि जो ई रिक्शा हैं वो कुछ ई रिक्शा आरटीओ पास भी है, बावजूद इसके उनको एमजी रोड पे नहीं चलने दिया जा रहा है। जो मरीज तो परेशान है ही, साथ में जो ई रिक्शा चालक हैं उनका कहना है कि 2-2 लाख रुपए का हमने ई रिक्शा लिए हैं, कुछ कई ई रिक्शा चालकों ने लोन पे ये ई रिक्शा लिए हैं, लेकिन अगर एमजी रोड पे उन्हें नहीं चलने दिया गया तो निश्चित ही उनकी जो रोजी रोटी है उस पर फर्क पड़ेगा। अपने साथी इंद्रजीत के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़, आगरा।